हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से, झकास तरीके से, बिंदास तरीके से कर रहे होगे। तो बेटा पढ़ाई से और मैं आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, तो आप लोग में दोबारा रिपीट हो सकता है। भाई समझ लो, एनसॉल्व सॉल्व करो बेटा, ऐसे सॉल्व करो। अभी एनसॉल्व सॉल्व कराएंगे, लेकिन थोड़ा पहले इसको एक टॉपिक पूरा कर दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और दो क्वेश्चन एनसॉल्व के प्रॉपर चलेंगे। मतलब बेटा मेरा एनसॉल्व का टॉपिक ऐसे रहेगा, जैसे मैंने एपी शुरू किया या जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री बेटा शुरू किया, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के 5 साल के सारे क्वेश्चन एक मतलब प्लेलिस्ट के थ्रू आपको सारे मिल जाएंगे। वो बात की बात है, तो बात करेंगे बाद में। इन फिगर फॉर्म रेक्टेंगुलर रीजन कह रहा है बेटा, एक ए बी सी डी का बेटा हो जाएगा आपका एक रेक्टेंगुलर मतलब बेटा आयताकार क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं ए बी विद कह रहे हैं ए बी सी डी विद ए बी 20 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, हमको 20 सेंटीमीटर हमको ए बी यहाँ दे रखा है, या हम लोग क्या लिख लेंगे, ए बी इजक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, कह रहे राइट ट्रायंगल ए ई डी, कह रहे बेटा ए ई डी कितना हो जाएगा, ये ना बेटा 90 डिग्री एंगल आपका हो जाएगा। तो लिखा हमको हमको गिवन दे रखा है कि ट्रायंगल ए ई डी इज अ राइट ट्रेंगल। ठीक है, तो बेटा ए ई हमको दे रखा है, ए ई हमको बेटा यहाँ पर दे रखा है, ए ई हमको यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है ए ई हमको, ये 9 दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए ई कितना हो जाएगा, ए ई हमारा बेटा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद कह रहे हैं डी ई बेटा हमको यहाँ पर दे रखा है, डी हमको कितना रखा है, डी हमारा ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बेटा देखो हमको यहाँ क्या करना है कि ये वाला बेटा एरिया इसमें ऐड किया गया है, इसको भी हम लोग शेडेड पार्ट से पूरा पूरा कर लेंगे ऐसे करके। तुमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ बेटा जो कह रहा है शेडेड जंगल, एरिया निकालना है, कौन सा निकालना है, शेडेड पार्ट का एरिया हमको यहाँ से निकालना है। बेटा यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे कि बेटा इस ट्रेंगल के एरिया में से, बेटा इस रेक्टेंगल के एरिया में से, भाई इस आयत के एरिया में से ट्रेंगल का बेटा एरिया माइनस कर देंगे बेटा, और सेमी सर्कल का एरिया हम लोग ऐड कर देंगे, हमें बेटा एरिया ऑफ शेडियन यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेटा पहले हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, हम लोग बेटा ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। भाई यहाँ देखो बेटा ट्रायंगल ए ई डी में बेटा एंगल ई आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और हमको ए ई और डी हमको दे रखा है, तो बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका अगर एरिया हम लोग बेटा निकालेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2। बेस कितना हो जाएगा भाई, डी बेस आपका हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, ए ई आपकी यहाँ पर हाइट आ जाएगी, तो ये 1/2 आ जाएगा। और डी कितना आ जाएगा भाई, डी आपको 12 दे रखा है। ठीक है बच्चा, 12 हो जाएगा। अच्छा ए ई कितना हमको दे रखा है, ए ई हमको 9 दे रखा है, कट कर लो भाई, 6 आ जाएगा, 6 9 जा कितना आ जाएगा बेटा हमारा, ये 54 सेंटीमीटर² बेटा आ जाएगा। ठीक, ये हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई डी मिल जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक हमको ए बी पता है, हमको सी डी पता है, भाई देखो ए बी सी डी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्यों भाई, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है बेटा, आपस में पैरेलल भी होती हैं। हमको ए डी नहीं पता है बेटा, ए डी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो फिर से अगर बेटा हम बात करते हैं, इन ट्रेंगल ए ई डी में आपको क्या हो जाएगा, एंगल ई बेटा आपका 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किसी भी ट्रेंगल में बेटा अगर आप टू साइड्स आपको पता हो, वो ट्रेंगल अगर राइट एंगल ट्रेंगल है भाई, टू साइड आपको पता हो, तीसरी हमको ए डी यहाँ निकालनी है, तो बेटा हम लोग इसमें क्या यूज कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपका हो जाएगा। तो थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस मतलब बेटा ए डी का स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा ए ई मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल बेटा कितना जाएगा, ये आपका ई डी या डी बेटा बेस का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा ए डी कितना हमको मिल जाएगा, ए डी हमें निकालना है, ए डी हमें बेटा यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है बेटा, ए ई कितना हमको 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ देखो डी कितना हो जाएगा, डी या ई डी 12 का स्क्वायर यहाँ बेटा आ जाएगा आपका। अब 9 का स्क्वायर बेटा हमारा 81 आ जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 आपका आ जाएगा। भाई इनको जब ऐड करोगे तो भाई 144 और 81 बेटा ऐड कर लो, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 2, ये आपका 2 हो जाएगा भाई, 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, तो ये आपका
एडी स्क्वायर आ जाएगा, या एडी कितना आपका आ जाएगा भाई, 2 to 5 बेटा 15 का स्क्वायर यहाँ पे आपका होता है, तो बेटा क्या जाएगा एडी की वैल्यू कितनी हमको यहाँ 15 मिल जाएगी। अब बेटा यहाँ देखो ठीक है, हमको एडी यहाँ मिल गया है। अब देखो बेटा इधर देखो समझो, इधर भाई अभी सवाल हम लोग बना रहे हैं, बाकी तो सवाल तो आपका आ ही जाएगा। तो बेटा कहते देखो एडी हमको 15 मिला है, बेटा एडी अगर 15 सेंटीमीटर है तो एडी जो आपका बेटा होगा, एडी एडी आपका बराबर बीसी हो जाएगा, बीसी भी आपका 15 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा ठीक है। बेटा बीसी बाई टू कितना आ जाएगा, ये बेटा 15 बाई 2 आपका आ जाएगा, 15 बाई 2 आ जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। बेटा बीसी बाई टू आपका 15 बाई 2 आ जाएगा। बेटा बीसी बाई टू को हम बीओ लिख सकते हैं, बीओ, और बीओ बीओ बेटा है क्या, रेडियस ऑफ, बेटा हमने ओ यहाँ माना था, क्या माना था ये, हम लोग सेंटर इसका ओ मान लिए थे सेमी सर्कल का, हो जाएगा बीओ इज द, बीओ का जाएगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आपको आ जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। तो बीओ कितना हमको मिल जाएगा, बीओ बेटा हमको 15 बाई 2 यहाँ से मिल जाएगा, वो भी क्या मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बेटा इतना तो हमने एरिया यहाँ से निकाल लिया है, अब बेटा इन सबको हम खाली वैल्यू पुट करना है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बड़े इसको भी हम रफ करेंगे, पहले जो लिखना हो यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। थोड़ा एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बड़े इससे हम लोग क्या माइनस कर दें, इसमें हम लोग माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, या ए डी लिख दो हम लोग, ए ई डी। भाई देखो हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा था, कह रहा है रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया कट करते हैं, उसमें सेमी सर्कल का एरिया ऐड करते हैं, तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया हमने माइनस कर लिया है ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको आ जाएगा ठीक है। बेटा हमको देखो सेमी सर्कल का हमको यहाँ पर सबको दे रखा है, भाई अगर आपकी बेटा परमिशन हो तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ करते हैं, पहले इसके हम लोग वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी ये कितना आया है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ठीक है। और हमको एडी बेटा, एडी भी हमको मिल गई है, एडी कितनी आई है 15 सेंटीमीटर आई है ठीक है। और ओबी कितना हमको मिला यहाँ से है, ओबी बेटा हमारा 15/2, ओबी कितना हमको मिला यहाँ से है, साफ साफ लिखते हैं अच्छे से, तो ओबी बेटा हमको यहाँ मिला है 15/2 सेंटीमीटर हमको यहाँ मिल गया है, ओबी मिल गया है। बेटा देखो हमने जो 3 चीजें निकाली हैं हमने यहाँ पर लिख ली हैं, ये वाला पार्ट हम लोग बेटा इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको आगे सवाल बताने में हमको आसानी हो, बाकी चीजें अब अगर दिक्कत होगी बेटा तो वीडियो को दोबारा आप रिवाइंड करके देख लेना। अब यहाँ देखो हमको बेटा ये एरिया ऑफ शेडेड हमको यहाँ पर निकालना था, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे भाई, देखो ट्रायंगल का एरिया कितना आपका आ जाएगा, भाई देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बेटा आपको यहाँ पे आ जाएगा भाई, 20 इंटू, भाई देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एल इंटू बी आपका होता है, अब इसमें हम ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे, ट्रायंगल का एरिया कितना है बेटा 54 हमारा आया था, प्लस इसमें ऐड क्या करना हमको है, हमको सेमी सर्कल का एरिया क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। भाई यहाँ देखो एल हमारा ए बी एल हो जाएगा, तो 20 इंटू भाई ए डी कितना हमारा निकला है, ए डी 15 निकला था बेटा हमारा, 15 आपका आ जाएगा माइनस का ये 54 आपका आ जाएगा, प्लस का 22/7 आ जाएगा, 22/7 आपका आ जाएगा। आर की वैल्यू भाई त्रिज्या कितनी हमारी निकली, ओ बी कितना निकला था 15/2 हमारा निकला था, इंटू कितना ये 2 टाइम्स इसको हम लोग लिखेंगे कि आर का स्क्वायर है, तो ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो सॉल्व खाली करना है, तो भाई 15 × 2 = 30 आपका आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ये 300 ये आपका आ जाएगा 300 माइनस का 54 और प्लस, बेटा देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 52 ये आपका 11 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, इसके अपान कितना बचेगा, 7 × 2 अपान का 11 ×
15 इंटू आपका बेटा 15 यहाँ पे आ जाएगा, इनको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 246 यहाँ पे आ जाएगा, 246 प्लस का आ जाएगा 11 इंटू 15 इंटू 15 अपान का 14 आपका आ जाएगा। भाई देखो इतना आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे भाई, इसको तो आगे तो भाई सवाल मैंने बना दिया पूरा आपको है भाई, एरिया ऑफ शेडिंग हमने यहाँ पे इतना निकाल दिया है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड आप करोगे भाई। देखो अगर हम चाहते तो कहीं ये पार्ट ना करते क्या, लेकिन यहाँ देखो भाई ये जब पार्ट आप खुद से आप करोगे तो आपको थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी भाई, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आ जाएगा भाई, मान लो आ सकते गलत आपका आएगा नहीं आ पाएगा तो कमेंट करना, मैं आपको इसका पूरा इसके बाद का सोल्यूशन में पूरा आपको एक नेक्स्ट छोटे से वीडियो में पूरा पूरा बता दूंगा। लेकिन यहाँ मेन पॉइंट क्या है, इसके आगे का सवाल आप लोग खुद से लगाओगे भाई, इसमें करना कुछ नहीं, खाली वैसे क्या करना आपको है भाई, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, फिर आपका 225 आ जाएगा, 225 को मल्टीप्लाई 11 से करो ठीक, उसका इसको 14 से डिवाइड कर दो, फिर 246 इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को इससे बेटा आप लोग ट्राई करिएगा, और ये आपके लिए होमवर्क है भाई, यही आपका क्या हो जाएगा भाई, SW भी आपको मिलना चाहिए कभी कभी, तो ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेटा को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।